मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 28 मार्च 2002। मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। तो चलिए प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई तीन लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। ये भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो। क्या कहते हो? कि हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते बाबा वाह, बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। तो आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। तो कौन से वो दो संकल्प थे? एक तो था कि कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, और दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। तो ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चों का होलीस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीस्ट कोई बना है? ना बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता नहीं कि है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। तो निश्चय की कलम से अपना भाग्य, अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? तो टीचर्स को निश्चय है? अच्छा, एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना, तो कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो, अभी साधारण हूँ, कल तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। तो पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे? शक है? नहीं है ना? पक्का है? तो जब राजयोगी हैं
तो राज्य अधिकारी बनना ही है। तो बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं, क्या लाए हैं सौगात? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, और निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो कि आज ये कल ये, कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी। सभी में कौन? बाबा कहते चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं कि सब चलता है। तो आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है कि सब चलता है, ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है कि हो जाएगा, कर ही लेंगे। तो बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, सच्ची दिल से अकाउंट ज़रूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें, ये भी प्यार है। तो हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें, पीछे पीछे नहीं आए, साथ ही बन के चलें। तो समान तो बनना पड़ेगा, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। तो अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने, ये है नंबर वन पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना है। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। तो बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सब का चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कि हैं कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है, और कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सत्ययुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की, हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है और प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है।
ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं। लेकिन अभी सभी में एडिशन करो, सेवा में एडिशन करो। कैसे करेंगे सेवा में एडिशन? बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी की सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुँचें, वायुमंडल बने, जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है कि बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है और गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों, आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता? दुख में संसार को सुख में बना दें, ये उमंग नहीं आता? दुख देखना चाहते दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता? आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ कि ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। बाबा कहते अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से और चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता पर बाबा कहते कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना ये कम है, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना और उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। तो बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं कि तीन बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी।
निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। और कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं कि क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज़ है कि कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको स्वर द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, तो बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसा हाथ करे, मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना तो मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे, अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज़ निकले, क्या आवाज़ निकले कि हमारा बाप आ गया, ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण बन निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, नीचे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।